हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ करमेंट को एजुकेशन में। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यू जो कि बनाए गए हैं 24 अप्रैल 2020 की डेट से, ठीक है। और ये हिंदी में है। और बेसिकली वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी बस ये छोटी सी फी है, कोई ज़्यादा बड़ी फी नहीं है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं फटाफट से इन एमसीक्यूज़ को। पहला एमसीक्यू आपका, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई हुक्का और ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पाद के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? तो बिहार, पंजाब, झारखंड और गुजरात। कौन सा राज्य है, देखते हैं आंसर इसका। इसका आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार ने तमाम तरह के तंबाकू उत्पाद जो भी जिसमें भी तंबाकू कंटेंट मिला हुआ होता है उस पर प्रतिबंध लगा दी है। सरकार ने कहा है कि जो पान मसाला, खैनी, जर्दा, गुटखा खाकर जहां वहां थूकते हैं उससे कोरोना फैल सकता है, ये स्टेटमेंट सरकार ने दी है। और ये बात सही भी है कि इससे कोरोना फैलने की वजह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, ठीक। तो झारखंड सही आंसर इसका। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ऐसा किस संस्था ने कहा है? ये कहा है संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र ने एक एनालिसिस किया है, उसमें जो डेटा निकाला है उससे पता चला है कि भूखमरी और महामारी पर बनने के कगार पर पहुंच चुकी है। और जो भूखमरी है वो भी एक प्रकार का महामारी का रूप ले रही है। जैसे अभी कोरोना को हमने महामारी डिक्लेयर किया है ना, वैसे अब भूखमरी को भी वही डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं। और इसमें देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में हर तरफ से संकट आ रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कोरोना वायरस के चलते वो लोग सेल्फ क्वारंटाइन में और उनके पास भोजन नहीं पहुंच पा रहा, और इस वजह से भी संक्रमण हो रहा है लोगों में और लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। क्योंकि जब खाना उनके पास नहीं पहुंचेगा तो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और कई बार जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ना, खाद्य पदार्थ उनको कुछ भी मिलता है वो खाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, भरपेट भोजन उनको नहीं मिल पाता और वो ज़्यादा बीमार पड़ने लग जाते हैं। और जब वो बीमार पड़ेंगे तो वो हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ पर बाहर निकलने की वजह से उनको क्या होगा, कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बात सामने आई है कि ऐसे जो लोग इनको भोजन नहीं मिल पा रहा, इनकी संख्या 2020 में तकरीबन 26.5 करोड़ हो सकती है, ठीक है, जो 2019 में 13.5 करोड़ थी। तो आप सोच सकते हो कि डबल की बात ना सीधा की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? कोविड इंडिया सेवा, कोविड परिवार कल्याण, कोविड मन की बात या कोविड संचार। तो यहाँ की गई है कोविड इंडिया सेवा की बात। इसका उद्देश्य क्या है कि कोविड जैसी संकट की स्थिति है, इसके दौरान क्या कहते हैं टाइम जो है उसमें ई गवर्नेंस की सेवाओं को लेते हुए सक्रिय तौर पर एक ऐसा स्केल बनाया जहाँ पर नागरिकों को जो प्रश्न उत्तर हैं वो दिया सके, नागरिक अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके उत्तर वहाँ पर उनको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है एट कोविड सेवा की, ठीक है। एक प्रकार का डैशबोर्ड है ये, ठीक है, जो बड़ी मात्रा में ट्वीट किए गए मैसेजों को फिल्टर करेगा, शोधित करेगा, और उसके साथ में उसमें योग्य समाधान होंगे, उनके क्वेश्चन जो होंगे उनको भी प्रोवाइड कराएगा। तो कोविड इंडिया सेवा याद रखना, कोविड इंडिया सेवा। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? अब सोच लो पूर्ण रूप से डिजिटल बैंक की बात है, पाकिस्तान, इराक, इसराइल या रूस। तो ये कर रही है इसराइल में, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जिसको हम कहते हैं TCS, ये इसराइल का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। तो ये पूरा बैंक डिजिटल होगा, और इसराइल के जो वित्तीय मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए TCS को चुना है, जिसका मकसद क्या है कि उसके बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव किया जाएगा। और पिछले 40 वर्षों में जो इसराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाले बैंक हैं उसकी शुरुआती साल होगी 2021 से होगी उनका, ठीक है। एक प्रकार से उनको स्टार्ट किया जाएगा 2021 से, उनको लाइसेंस देना शुरू कर दिया जाएगा। और ये क्या है, एक प्रकार से कि जो आजकल जो डिजिटल
इकोनॉमी बढ़ रही है और वित्तीय सेवाएं जो बढ़ रही है उसमें जो कंपटीशन है उसको देखते हुए कदम अपनाया इसराइल गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनज़र हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा हो सकती है, 10 साल, 8 साल, 20 साल या 7 साल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, 7 साल। ठीक है, जो हमारी केंद्र की सरकार, इसको हम बोलते हैं मोदी सरकार, इन्होंने डॉक्टर पर होने वाले जो हमले हैं उनको देखते हुए कड़ा कानून लागू करने की बात की है और जो ऐसे रूप से दोषी पाए जाएंगे जो उन पर हमला लगातार कर रहे हैं किसी प्रकार के जो सहायक करता है जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गया, फिर पैरामेडिकल स्टाफ हो गया या अन्य कोई जैसे पुलिस भी हो गई, तो इनको क्या होगा, इन लोगों को उत्पीड़न करने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा और जो गिरफ्तारी होगी वो गैर जमानती होगी यानी कि जमानत उसमें नहीं मिलेगी और सज़ा के तौर पर 3 से 5 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, जुर्माने में भी प्रावधान रखा गया, 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना है और ये जुर्माना देखा जाएगा भी किस प्रकार की आपने क्राइम किया है। अगला है, कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए आप्रवासन इमिग्रेशन पर रोक लगाने का निर्णय किया है, 50 दिन, 40 दिन, 60 दिन या 30 दिन। तो ये बात की गई 60 दिन के लिए। एक्चुअली क्या है, H1B जो एक वीज़ा होता है इसको बोलते हैं, जो लोग यहाँ से मतलब इंडिया से या फिर किसी और देश से अमेरिका में जाते हैं और वहाँ पर कोई जॉब करते हैं तो उनके ऊपर रोक लगा दी गई, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका कहना है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे जो निवासी हैं, उनके जॉब खतरे में आ रही है और उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। ठीक है, तो बाद में देखा जाएगा कि 60 दिनों के बाद भी जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अभी इसको हम कुछ कह नहीं सकते। और इसके लिए नए ग्रीन कार्ड जारी करने की जो सुविधा है उस पर अभी रोक लगा दी गई है। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया है कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, ई रक्तकोश, E1, E-पवन या ई रक्तचाप। तो यहाँ बात कह रही है ई रक्तकोश की। ठीक है, 7 अप्रैल 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत और ये एक प्रकार का एक ब्लड बैंक है। ठीक है, और ये ब्लड बैंक प्रबंधक के अंतर्गत सूचना प्रणाली के अंतर्गत कार्य है कर्त है और ये एक प्रकार से वेब आधारित तंत्र राज्यों के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क से जोड़ देगा। ठीक है, और ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है आपको निकटतम ब्लड बैंक की जानकारी प्रोवाइड करा देगा जिससे कि आप जो रक्त समूह आपको चाहिए उसका रक्त वहाँ से ले सकें। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, 23 अप्रैल, 30 अप्रैल, 10 जनवरी या 15 मार्च। तो सही आंसर है 23 अप्रैल। ठीक है, हर साल 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म तिथि तथा मृत्यु तिथि होने के कारण अंग्रेजी भाषा दिवस चुना गया। तो सोच लो कि 23 अप्रैल विलियम शेक्सपियर की जन्म और मृत्यु तिथि दोनों हैं। ठीक है, और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में कई प्रकार की चीज़ें जोड़ी हैं और अंग्रेजी उन 6 भाषाओं में शामिल की है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र रूप से घोषित किया गया है और भी कई प्रकार की चीज़ें इसमें, और अंग्रेजी दुनिया की 3री सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, और लेकिन बिजनेस और एजुकेशन में ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, वैसे जो नॉर्मल है, जो आम बोलचाल है, उसमें 3री सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी, लेकिन अगर बिजनेस और एजुकेशन में देखें तो सबसे ज़्यादा यही चलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है, चेतन आनंद, PV सिंधु, साइना नेहवाल या श्रीकांत किदाम्बी। तो यह है PV सिंधु को चुना गया है इसके लिए। ठीक है, और इसके साथ में कि 8 खिलाड़ियों को और इसके लिए जागरूकता अभियान में चुना गया है क्योंकि सिंधु के अलावा कर्नाटक के मिशेल ली है, चीन के भी हैं इसमें, इंग्लैंड के भी है, जर्मनी के भी है, हांगकॉन्ग के भी हैं और बहुत सारे खिलाड़ियों को चुना गया है और इसमें वे ईमानदारी व साफ सुथरे साथ खेलने की वकालत भी करेंगे कि सबको एक साथ खेलना चाहिए और तरीके से खेलना चाहिए, कोई चीटिंग ना करे इस प्रकार की। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य से अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त किया है, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये किया है आंध्र प्रदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं
उनमें जो स्थित स्कूल हैं उनमें जनजातीय वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य रहेगा, क्योंकि भाई 100% आरक्षण किसी में मिलना नहीं चाहिए, मिल भी नहीं सकता। और ये न्यायमूर्ति जो है श्री अरुण मिश्रा जी, इनकी अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने ये जजमेंट दिया है। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है, उनके द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द किया गया है इसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार पर दोनों पर जुर्माना भी लगाया है इसके लिए। किसके लिए? ST शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई, जब उसमें उन पर जुर्माना भी लगाया गया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।